लिबरल टीवी लोकां दी आवाज लोकां ले। देख रहे हो लिबरल टीवी पंजाबी लोकां दी आवाज़ लोकां लई ते मैं हां तुहाडे नाल मनप्रीत कौर सपना। सो खबर अमृतसर तो है जिथे एक सिख नौजवान दे केसां दी बेअदबी होण दा मामला जिहड़ा सामने आया है। दस दईए कि हुण उस सिख नौजवान दे वल्लों इंसाफ दी गुहार लगाई जा रही है पुलिस स्टेशन दे बाहर बैठ के। दरअसल तुहानूं दस दईए कि मामला पूरा इस तरह है कि इस सिख नौजवान दे वल्लों गुरद्वारा गुरु के महल तो मत्था टेकन तो बाद जदों अपने घर वापस जाता है तो उतों कुछ अणपछाते ते पछाते लोगों के वलों उसके उत्ते हमला किया जाता है, उसकी गड्डी रोकिया जाता है, जिस तों बाद उसकी कुटमार की जाती है। सिख नौजवान के वलों बयान दिता गया कि जदों वह पिंड के लागे पहुँचता है तो उस अणपछाते व्यक्तियों के वलों कुछ वह जान पछाणते सन ते कुछ जिहड़े अणपछाते सन जिन्हां दे वलों उसकी कुटमार की गई। तो जदों सिख नौजवान के वलों अपने साथी नूं फोन करके बुलाया गया तो दूजे धिर के वलों भी जिहड़ा कि जो उस नूं कुटण दे लई आए सन उन्हां दे वलों भी 30-35 व्यक्तियों उत्थे बुलाया गया तो उस सिख नौजवान की जिहड़ी कि कुटमार की गई, जिस तों बाद उसके केसां की बेअदबी हुई तो इतों तक कि उसकी दाढ़ी तक फुट दी। इस मामले को लैके तुहानूं दस दईए कि पुलिस के वलों भी तफतीश जिहड़ी की जा रही है, पर नौजवान का कहना है कि पुलिस जिहड़ी उह कार्रवाई नहीं कर रही ते इसे दे चलदे सिख नौजवान के वलों की बयान दिता गया, आओ सुनते हाँ। कल गुरु के महलों अं सेवा करके जाने हाँ घरे भाजी, इतने मन सब्जी मंडी तो मुंडे पिछे लगे भाजी, गाला कढ़ियां चालू करती हैं। तीन मुंडे से शराब ना रजे हुए, बोतल उन्होंने हाथ च फड़ी हुई, मैनू गाला कढ़ियां गड्डी रोक गड्डी रोक। मैं गड्डी नहीं रोकी, मैं शमशाना के पिछले बैक साइड गेट थानी गड्डी अंदर वाल ली, जिहड़ा नाले वाला रोड है जी, उत्ते आ गए उन्होंने मेरे पिछे गड्डी अगे लाती, मेरे गड्डी मेरी रोकी, उन्होंने चाबी ला ली। एक मुंडे ने आ गए, रघु नाम के मुंडे ने आ गए, तो मैं चाबी और को खोली, चाबी खोली तो दूजिया ने आ गए, उन्हें मेरी दस्तार लाती। एक चौथा मुंडा आया अमित, उन्हें चाहू मैं 2 मिनट दस्तार लाई, मैं बह गया, मैनू फोन किया आ गया उत्थे एक अमित ना का मुंडा, उन्हें फोन करके 40-50 मुंडे बुलाए जी उत्थे, उन्दियां ना कुछ नहीं वेख्या, मैनू कुट ला पे, ए दस्तार लाती, उन्दियां मेरे अद्धी दाढ़ी पुट के लै गए भाजी मेरी, तो यदा मैनू इंसाफ दवाया जाए। मैं तद इतें बैठा भाजी, कल 8 बजे की 9 बजे के इन्हों को आके बैठे हैं। SHO साहब कहते हैं कि 10:30 बजे तक FIR की कॉपी मिल जाएगी, तो अं अक के 4:30 बजे इतने रोड से बैठे हैं। अं बड़े मजबूर होकर बैठे, सूँ भी पता अं अपन सारिया जाना रिस्क लैके बैठे हैं बाबा जी, पर जे यदि इंसाफ नहीं मिलना तो अं सट्टा का तो मैं गल ही नहीं कर रहा। 3 जगह टांके लग गए मेरे सिर, मैंने वह कोई रोस ही नहीं है जी, उन्होंने मैं हाथ जोड़े ही अपना जतिन नाम के मुंडे जिहड़ा इन्हें अंदर बैठा, मैं भा तू चल जा, तू जो किया वधिया किया, सानू अपने घर जान दे, पर उन्हें सानू गल्लां 2-4-5-10 मिनट ला के टाइम पास किया, तो उन्हें मुंडे बुलाए। उधरों इस मामले को लैके पुलिस का कहना है कि असी कार्रवाई पूरी कर रहे हैं, तो जो भी इस बनती कार्रवाई है वह असी करांगे, तो उन्हों का कहना है कि आपसी रंजिश का मामला भी जिहड़ा दसिया जा रहा है। सो इस मामले को लैके पुलिस का की कुछ कहना है, आओ सुनते हाँ। इन्हां जी कल रात को करीब 8:30 बजे भरत ना का लड़का, प्रताप ना का, प्रताप पुत्र बलविंदर सिंह वासी जसपाल नगर, ये गुरु के महल गुरद्वारा साहब तो सेवा करके सिमरन मैडिकल स्टोर करके आए, उत्थे लवेश भारत भरत रघु अमित जतन ये ना दे मुंडे जड़े आना ने, तो कुछ अणपछाते इन्हों के कोल जड़े को हथियार से, इन्होंने उन्होंने घेर के उन्होंने कुटमार की, पग ला दी, वो दाढ़ी पुटी, ठीक है। उस तो बाद इन्हों तो उत्थे झगड़ा होया, झगड़ा होने तो बाद ने इन दे मुंडिया ने दूजी पार्टी का भी एक मुंडे नूं कुटिया, जो ये संबंध में रात इन्हों मैडिकल जड़ा कट के दिता सी, जिहड़ियां सट्टां लगियां सी उहदा असी डाक्टर दिता सी, जो MLR आई आ, जो ये संबंध में इन्हों का बयान लिख के असी जिहड़ा FIR आ वो 134 FIR नंबर 134 PSB डिविजन अंडर सैक्शन 295 341 323 427 148 149 IPC अधीन परचा दर्ज कर दिता गया। लिबरल टीवी पंजाबी दे लई अमृतसर तो हरदेव सिंह प्रिंस दी रिपोर्ट।